नमस्कार, दिल्ली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच खेले गए आईपीएल के अहम मैच में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने दिल्ली डेयरडेविल्स को शानदार तरीके से हरा दिया है। आपको बता दें कि आज डिविलियर्स और विराट कोहली दोनों का बल्ला चला और दोनों ने दिल्ली डेयरडेविल्स के गेंदबाजों को जमकर ढूंढ डाला। आज दिल्ली डेयरडेविल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 181 रन जैसा बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसमें उनकी तरफ से ऋषभ पंत ने 61 और अपना पहला आईपीएल का मैच खेल रहे अभिषेक शर्मा ने शानदार 46 बनाए, वो भी मात्र 19 गेंदों में। इन दोनों की पारियों की बदौलत दिल्ली डेयरडेविल्स ने 181 रन जैसा बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को शुरुआत में ही दो झटके लग गए और उनके दोनों ओपनर मोइन खान और पार्थिव बड़े जल्दी जल्दी आउट हो गए। लेकिन इसके बाद विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने शानदार पारियां खेली और दोनों ने शानदार असर जड़कर टीम को शानदार जीत दिला दी। इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर बैंगलोर अब टूर्नामेंट में बनी हुई है। अब बाकी बचे उसको दो मैच भी शानदार तरीके से जीतने पड़ेंगे जिससे उनकी टीम अंतिम चार तक क्वालिफाई कर पाए। अगर आप भी चाहते हैं कि विराट कोहली की टीम अंतिम चार में पहुंचे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि ये मैच वाकई में लाजवाब था।